तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। बहुत सारे लोग मतलब 90-80% लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि हमारे चैनल के ऊपर व्यूज़ नहीं आ रहे। 100 व्यूज़ आ रहे, 200 व्यूज़ आ रहे, 300 व्यूज़ आ रहे, उसके बाद वीडियो यहीं पर रुक जाती है, यहाँ से आगे नहीं बढ़ती है, वीडियो के ऊपर व्यूज़ बढ़ नहीं रहे हैं, कहीं पर आकर रुक जाती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों का सवाल है। मनोज डे ने भी इसके बारे में बताया है कि व्यूज़ नहीं आ रहे। मनोज डे के 4 मिलियन सब्सक्राइबर है, लेकिन उनकी वीडियो के ऊपर आप जाकर देख सकते हैं 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे। तो इन सबका रीज़न क्या है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि व्यूज़ कैसे बढ़ाए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए करना क्या होगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर सेट कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे पता है। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप ही का फ़ायदा है, आप मेरी भी हेल्प भी कर रहे हैं और आपको फ़ायदा भी मिल रहा है और बिल्कुल फ्री में है, इसमें कोई भी पैसा आपको खर्च नहीं करना है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर व्यूज़ ना आने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन व्यूज़ क्यों नहीं आते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें तो व्यूज़ लाने के लिए हमें करना क्या होता है, मेन चीज़ है टाइटल, टैग और थंबनेल। इन 3 चीज़ों पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आपके चैनल के ऊपर व्यूज़ आएंगे। लेकिन ये तो लॉन्ग वीडियो की बात हो गई, शॉर्ट वीडियो के अंदर ऐसा क्यों होता है कि 200-300 व्यूज़ आने के बाद वहीं पर रुक जाता है। तो अगर आप देखें तो मेरे शॉर्ट के अंदर भी ऐसा ही कुछ होता है, मेरी एक शॉर्ट की चैनल भी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा यहाँ पर आपको उस चैनल के लिंक मिल जाएगी, उस चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं डेली ब्लॉग डालता हूँ और मेरा जो रूटीन होता है, मैं दिन में क्या करता हूँ उन सब के बारे में बताता हूँ। तो अभी तक आप लोगों ने उस चैनल को नहीं देखा तो यहाँ जाकर आप देख सकते हैं, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आप मुझे जान सकेंगे, मैं आप लोगों को जान सकूँगा। अगर आप लोगों के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है YouTube से रिलेटेड, अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो व्यूज़ ना आने के कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम व्यूज़ लाने के लिए करते क्या है, हम टैग, टाइटल, थंबनेल सब कुछ अच्छे से लगाते हैं, लेकिन वो सब मैटर करता है सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग वीडियो के अंदर। शॉर्ट वीडियो के अंदर कोई भी टाइटल, कोई भी थंबनेल लगाने का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। थंबनेल लगा सकते हैं, लेकिन जो भी वीडियो के अंदर है उसको हम थंबनेल बनाकर लगा सकते हैं, वहाँ पर ना तो टाइटल, ना तो टैग और ना ही थंबनेल मैटर करता है। आपकी चैनल को जब आप शॉर्ट को अपलोड करते हैं तो आपकी शॉर्ट कहीं पर जाकर रुक जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे चैनल के अंदर, बहुत सारे लोगों के वीडियोस के अंदर ऐसा पाया जाता है। हालांकि मनोज डे ने भी बताया है कि इस तरह की वीडियो के अंदर मेरे भी व्यूज़ रुक जाते हैं। उनकी एक फेसबुक के ऊपर उन्होंने एक अपलोड किया था, एक फ़ोटो, प्रॉपर एक वीडियो बना था कि मैं जब भी रिफ्रेश करता हूँ 200-300 लाइक्स बढ़ जाते हैं। और अभी अगर आप देखेंगे तो 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट के अंदर 100-100 लाइक या 2 या 3 या 5 या 10 लाइक बढ़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, जैसे जैसे समय बीतता है उस वीडियो के ऊपर व्यूज़ क्यों कम हो जाते हैं? तो इसका जवाब ये है कि ये जो होता है इसके बारे में SEO होता है, और SEO, YouTube का SEO कोई भी बड़ा यूट्यूबर आपको नहीं बता सकता। किसी भी यूट्यूबर के पास इसका जवाब नहीं है कि व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे। व्यूज़ ना आने के कारण क्या हो सकते हैं ये बता सकते हैं, लेकिन कोई भी वीडियो अपलोड करने के बाद उसके ऊपर व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे ये कोई भी नहीं बता सकता। कितना भी बड़ा यूट्यूबर है अगर ये बता सकता है तो वो खुद के व्यूज़ बढ़ा लेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि व्यूज़ कैसे बढ़ाए, कैसे ट्राई करें। तो ये सब मैं इसलिए बताता हूँ कि मैं देखता हूँ कुछ वीडियोस के ऊपर व्यूज़ आ जाते हैं तो मैं इस तरह का जो टॉपिक होता है उस टॉपिक को उठाकर आपको बता देता हूँ कि आप भी अगर इस तरह से काम करते हैं तो आपकी वीडियो के ऊपर भी व्यूज़ आने की संभावना है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ व्यूज़ आने की संभावना है,
सब्सक्राइबर बढ़ने की संभावना है। मैं हर एक वीडियो में ये बोलता हूँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपके वीडियो के ऊपर व्यूज़ बढ़ेंगे, आपकी चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, संभावना है। ठीक है, कोई भी बड़े से बड़ा यूट्यूबर जिसके पास अगर 10 मिलियन सब्सक्राइबर है और वो यूट्यूब टिप्स बता रहा है, तो उसको भी पता नहीं कि इस वीडियो को अपलोड करने के बाद इसके ऊपर व्यूज़ कितने आएंगे, ये वीडियो वायरल होगी या नहीं होगी। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, पिछले मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं उसके अंदर मैंने देखा कमेंट आता है कि अपने खुद के व्यूज़ बढ़ाइए, आप खुद क्यों नहीं कमा रहे। तो दोस्त, जिसने भी ये कमेंट किया है, उस कमेंट करने वाले को मैं बताता हूँ और मेरे सभी यूट्यूबर्स, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को भी बताऊँगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ काम करना है। आप वीडियो अपलोड करने के बाद अगर छोड़ देंगे तो भी आपके व्यूज़ नहीं आएंगे, आपको उसके ऊपर, आपको किसी भी वीडियो के ऊपर उसको इन्हांस करना पड़ेगा। आज जो आपने वीडियो बनाई है, अगले एक साल के बाद अगर आप वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ नयापन लाना होगा, क्योंकि ऑडियंस कुछ नया देखना चाहती है। अगर आप कुछ नया डालते हो तो ही आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज़ आएंगे। आपको क्या करना है, ऑडियंस रिटेंशन बढ़ाना है। ऑडियंस रिटेंशन कैसे बढ़ेगा, आपकी वीडियो एंगेजिंग होनी चाहिए। अगर वीडियो एंगेजिंग है तभी आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज़ आएंगे और तभी आपकी वीडियो वायरल होने की संभावना है। मैंने ये नहीं कहा कि आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी, संभावना हो सकती है, आपकी वीडियो के अंदर कुछ भी हो सकता है। समंदर में जो मछली पकड़ने के लिए जो वो निकलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, ठीक है, उनको कोई ये नहीं कह सकता कि ये जाके वापस आ जाएंगे, मछुआरे जो बोलते हैं। अगर अंदर चले गए और समंदर में कुछ तूफान आ गया तो वो डूब भी सकते हैं, कोई भी नहीं बता सकता। ठीक है, आजकल तो डॉक्टर भी नहीं बता सकता कि ये आदमी बचेगा या नहीं बचेगा। तो फिर YouTube के ऊपर भी कुछ ऐसा ही है कि आपकी वीडियो वायरल होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, मैंने 300-350 वीडियो अपलोड कर दिए हैं लेकिन फिर भी मेरे चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि ऐसे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ऐसे वीडियोस के ऊपर व्यूज़ बढ़ाइए, मेरे ही व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं, तो भी मैं चैनल के ऊपर काम कर रहा हूँ, वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक ना एक दिन मेरे चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तभी मेरी चैनल के ऊपर व्यूज़ बढ़ेंगे। 10% व्यूज़ आते ही है हर एक चैनल के ऊपर। अगर आपके पास 1,00,000 सब्सक्राइबर है तो आपको 10,000, 5,000, 10,000 के आसपास व्यूज़ आने ही वाले हैं। अगर आपके 50,000 सब्सक्राइबर है, 5,000 व्यूज़ आने ही वाले हैं। 24 घंटे के अंदर 5,000 व्यूज़ आने ही वाले हैं। तो इसी तरह से आप अगर वर्क करते रहे तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको वीडियोस अपलोड करते रहना है। जितनी ज़्यादा वीडियो अपलोड करेंगे उतने ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतने ही व्यूज़ आएंगे। ये वीडियो मुझे पहले ही बना लेनी थी लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अब बता ही देना चाहिए कि व्यूज़ बढ़ाने का, सब्सक्राइबर बढ़ाने का कोई तरीका नहीं होता है। YouTube को कोई समझ नहीं सकता है कौन सी वीडियो आगे चले जाए, कौन सी वीडियो पीछे रह जाए, किसी को कुछ भी पता नहीं है। जो बड़े बड़े यूट्यूबर है जो बताते हैं कि इस तरह से सब्सक्राइबर बढ़ाए, इस तरह से व्यूज़ बढ़ाए, उनके वीडियो के अंदर भी एक से व्यूज़ नहीं होंगे। आप देखेंगे कि कुछ वीडियो के ऊपर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, कुछ वीडियो के अंदर कम व्यूज़ आएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ना है, जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है उस टॉपिक पर काम कीजिए, आपकी किसी भी टाइप की चैनल हो, ठीक है, आपकी गेमिंग की चैनल हो, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप कुकिंग कर रहे हो, आप व्लॉगिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ट्रेंडिंग टॉपिक को पकड़िए और उसके ऊपर वीडियोज़ बनाइए, व्यूज़ बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में यही था और मैं आप लोगों को यही बताने वाला था कि आप सिर्फ और सिर्फ काम करते रहिए, YouTube के ऊपर बहुत सारा पैसा है, आप भी कमाएंगे, हम भी कमाएंगे, हम सब कमा सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि आपको 10 पास करना है, 12 पास करना है या फिर आप ग्रेजुएशन करने के बाद ही YouTube कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप छोटे से छोटा बच्चा भी यहाँ पर 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल का बच्चा भी यहाँ पर काम कर सकता है, पैसे कमा सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए
गुड बाय।